हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रश्मि सचान और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आया करें तो प्लीज़ उस पर लाइक बटन पर आप क्लिक ज़रूर कर दिया करें और अपना कमेंट भी नीचे छोड़ दिया करें। अगर आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में, मेरे चैनल के बारे में, कोई सजेशन देना चाहते हैं रेसिपी के बारे में, तो ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, आप कोई कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें 2 छोटी चम्मच तेल डालेंगे, आप रिफाइंड ऑयल, बटर, सरसों का तेल कोई भी ले सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक डालेंगे, जिसको कद्दूकस किया गया हुआ है। और साथ ही साथ हम कुछ लहसुन भी डालेंगे, यानी कि गार्लिक। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से भूनना है, यानी कि इनका कलर थोड़ा डार्क ब्राउन करना है, लेकिन ध्यान रहे कि ये जल ना जाएं बिल्कुल भी। डार्क ब्राउन करने से इनका पूरा फ्लेवर जो है वो ऑयल में उतर आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह के ये हो गए हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना है, हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितना तीखा खाना पसंद करें। और अब इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। अगर आपके पास तीनों कलर वाली शिमला मिर्च है, यानी कि लाल, पीली और हरी, तो आप तीनों को बारीक करके थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालें। अब मैं यहाँ पर बहुत थोड़ी सी गाजर ले रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हेल्थ के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप चाहें तो गाजर का ऑप्शन बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ कलर के लिए और थोड़ा दिखने में अच्छा लगने लगे उसके लिए गाजर को बारीक चॉप करके डाला है। और इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है सब्जियों को, क्योंकि दोनों सब्जियाँ कच्ची खाई जा सकती हैं बड़ी आसानी से। अब इसमें हम राइस डाल देंगे, ये पके हुए चावल हैं, यानी कि कुकड राइस हैं, स्टीम किए हुए बासमती राइस। आप कोई भी रेगुलर राइस ले सकते हैं। थोड़ा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च का पोषण थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि इसमें शिमला मिर्च जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी में, और बहुत ही हेल्दी वर्जन के लिए है ये। इसमें शिमला मिर्च में बहुत ही प्रोटीन रहता है इस वजह से। तो आप देख रहे हैं, चावल आप ताज़े बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके रात के बचे हुए चावल हैं आप उनका भी इस्तेमाल बहुत आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए, इसमें कोई भी मसाला वगैरह नहीं डालना है, इस तरह से बनकर इनका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है शिमला मिर्च की वजह से। तो आप एक बार इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन भी जाता है। और गार्लिक और जिंजर की वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। और बस ये रेडी हो चुका है, अब आप इसको ठंडा करके। वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत कर दीजिए लाइक, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।